हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन से एक नई नोटिफिकेशन आई है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। एक्चुअली ये खुशखबरी के तौर पर आप इसे ले सकते हो, जहां पे आपको कुछ जानकारियां मिलेगी। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो भी आपकी राय हो इस वीडियो को लेकर, आपका ओपिनियन हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप सिर्फ ये बता दो, x टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सारे लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पीछे में दिख रहा है, ये क्या नोटिफिकेशन है इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं, पिछला जो KVS हुआ है वो 2018 में हुआ है। इसके बाद कोई भी रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। और कितने साल हो गए? 4 साल। और इन 4 सालों में मोदी जी कान में तेल डालकर सो गए हैं। उन्होंने बेरोजगारों को, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनकी सुध ली ही नहीं है। इन्हें अपने भाषणबाजियों से फुर्सत है नहीं। अब नीचे कुछ कमेंट बॉक्स में लोग आकर कमेंट करना शुरू करेंगे, कांग्रेस ने कितने पैसे दिए हैं, किसने कितने पैसे दिए हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मुझे स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि उनकी बात को किसी न किसी तरह से प्लेटफॉर्म पे उठाया जाए, पहली बात। दूसरी बात, कुछ भक्त जो है उनको बिना बेवजह ही मिर्चियाँ लगते रहती है, तो उनका में कोई इलाज है नहीं मेरे पास। क्योंकि ये तो मैं आपके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आपके जो फेवरेट लीडर हैं, मैं उनके खिलाफ़ बोल रहा हूँ। आप ही सोच कर देखो, चलो मोदी जी अच्छे लीडर हैं, बहुत प्रतिभावान, प्रतिभाशाली, ऊर्जावान, उन्होंने एक ही झटके में चीन को में आग लगा दी, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, चलो सारा मान लिया बात। लेकिन 2018 से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं आ रही है? कभी पूछोगे अपने आका से सवाल? मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, 2018 से आप जो है आस लगाकर पढ़ाई कर रहे हो, गधों की तरह पढ़ रहे हो, लेकिन परीक्षा कब होगा आपको पता नहीं। और एक बात मैं बताऊँ, बिना डायरेक्शन के चलने वाले को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? डायरेक्शन ही नहीं होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे? डिस्टेंस तय करोगे, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको डिस्प्लेसमेंट तय करनी है, समझ पा रहे हो? जहाँ से आपको एक पता हो कि इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ फाइनल पॉइंट है। 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होगी, 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होगी, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ना आपके पास, लेकिन आइडिया ही नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई सुध ही नहीं है। आप आवाज़ उठाओगे नहीं, सरकार क्यों ही आपके मामले को देखेगी? आप खुश हो कि राम मंदिर बन रहा है, भारत जो है बहुत विश्व गुरु बन रहा है, इसी ये छोटे छोटे हिंदू मुस्लिम के दंगों को लेकर जहांगीरपुरी में मुसलमानों के दुकान गिराए जा रहे हैं, तो इसमें आप खुश हो जाते हो एज ए हिंदू। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहांगीरपुरी में हिंदू के अलावा मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के भी दुकान को गिराया गया है। तो आप सिर्फ एक ही पक्ष को ना देखें, याद रखिए ये सरकारें हैं, इन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। अगर आप वोट बैंक बन रहे हो तो अपने एज ए वोटर को आइडेंटिफाई, अपने आप को फिर से थोड़ी सी जो है अंतरात्मा में झांकने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है तो ये जो हमारे प्रधान साहब, ये जो प्रधान धर्मेंद्र प्रधान हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, मुझे तो लगा कि नए शिक्षा मंत्री आएंगे तो कुछ काम करेंगे, ये तो और भी बेकार पर शिक्षा मंत्री निकले। ये कोई काम के नहीं है, ये कोई भी इन्होंने काम अभी तक नहीं करा है, कोई भी नई अपडेट हो या कुछ हो, कुछ भी नहीं किया। ये हमारे जो पुराने घड़ियाल साहब थे ना, ओ पोखरियाल साहब, याद है ना, उसी की तरह ये भी बेकार इंसान है, कोई काम नहीं करा इन्होंने एज ए शिक्षा मंत्री। 4 साल से लोग आशा देख रहे हैं कि कब रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन रिक्रूटमेंट का कोई अथा पता नहीं है। तो फिलहाल कुछ अच्छी चीज़ें डेवलप हुई है, जाते जाते मैं आपको नोट के साथ भेजना चाहूँगा। देखिए, 29 तारीख को ये अपडेट दी गई है, जिसमें राजस्थान में 8 नए केंद्रीय विद्यालय संगठन को खोला गया है, और इसमें रिक्रूटमेंट डेफिनेट सी बात है, कम से कम 30-40 हर जगह से रिक्रूटमेंट आएगी, हर स्कूल से। तो लगभग आप 14x8 कर दोगे तो जो है 8 नए स्कूलों को, तो कम से कम ये जो है 320 नए शिक्षकों के पद मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन वही है, सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाल देती है, और मैं कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी डाल कर परेशान हो जाता हूँ। मुझे भी 2 पैसे कमाने हैं तो मैं वीडियो डाल देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप KBS PRT की तैयारी कर रहे हो, या DSSB की, या NBS की, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, 101 क्वेश्चन पेपर आप मुझसे परचेस कर सकते हो ओनली 50 रुपीज़ में। जी हाँ, ये सारे PDF आपको WhatsApp के द्वारा दे दिए जाएंगे।
ईमेल आपको करना होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ से आप पेपर के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।